लेकिन मधु जी, अब जब हम बात कर रहे हैं कि ये इस तरीके की बात, तो आप ही की सरकार में, आप ही की राजस्थान की सरकार के अंदर, एक जिले के अंदर किसी पति पत्नी जो रात को पिक्चर देख के लौट रहे थे, उनके साथ में पुलिस वालों ने जिस तरीके का दुर्व्यवहार किया, ये क्या शर्मनाक स्थिति नहीं है? देखो, मैंने कहा ना कि अगर सार्वजनिक स्तर पर कोई अश्लील हरकत कोई कर रहा हो तो पुलिस ने टोका होगा, पर ऐसा नहीं है कि हर किसी को कोई कर रहा है या किसी हर किसी को छेड़ मतलब पाबंदी लगा रहे हैं या किसी से दुर्व्यवहार कर रहे हैं या कोई पति पत्नी आराम से जा रहे हैं तो उनको भी कोई पाबंदी लगा रही है या पुलिस परेशान कर रही है। मेरा ऐसा जानकारी में ऐसा कोई विषय अभी तक आया नहीं है। जोधपुर की अभी हाल ही की घटना है जिसके अंदर एक पति पत्नी रात को लौट रहे थे और उनको रोककर जिस तरीके से पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, महिला को पकड़ के जबरन पुलिस थाने के अंदर ले गई, रात भर उन्हें परेशान किया। जब ये मामला उठा तो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा ने भी उस तक जो कंसर्निंग ऑफिसर उसको तलब किया और विधानसभा में जब ये मामला उठा तो गृह मंत्री को भी हस्तक्षेप करना पड़ा और एक कमेटी भी बनानी पड़ी। ऐसा अगर कहीं हुआ है तो उसको संज्ञान में भी लिया गया होगा और कोई अगर दोषी पुलिस कर्मी है इस तरीके का तो उसके कार्रवाई भी की होगी। ऐसा नहीं कर सकते कि कोई मतलब जरूर जबरदस्ती किसी को कराए, और हाँ कहीं इस तरीके का कोई हुआ है तो उस पर संज्ञान में लेकर के कार्रवाई की होगी, महिला आयोग ने करी है या और प्रशासन ने की है या कोई भी अगर विषय इस तरीके का सामने आता है तो उस पर कार्रवाई होती है। और मेरे ख्याल में तो जो रोमियो पे शिकंजा कसा है वो बहुत ही अच्छा शिकंजा कसा है, और ऐसी घटनाएं अब जिससे कम हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके का समाज के अंदर विकृति आ रही है और जिस तरीके के दुराचार हो रहे हैं और उसके दुष्परिणाम भी अपने आ रहे हैं, किसी के साथ में बलात्कार भी हो रहा है, छोटे बच्चों के साथ भी हो रहा है, हम सब इन चीजों को देख रहे हैं और इसके लिए अगर रोमियो पे अगर शिकंजा कस रहे हैं तो इसमें कोई बुराई वाली बात मेरे को नजर नहीं आती।